आगरा के बिल्डरों ने यूपी सरकार से भूमि पूलिंग के प्रस्ताव को गति देने के लिए किया आग्रह। आगरा के बिल्डरों के एक मंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से घरों के निर्माण के लिए और अधिक क्षेत्रों को उपलब्ध कराने के लिए भूमि पूलिंग के प्रस्ताव को गति देने की आग्रह की है। फन सिटी सोसाइटी गुड़गांव में जल संकट, निवासियों ने डेवलपर और हुड्डा के अधिकारियों से किया संपर्क। उन्होंने कहा कि राहत मिलने में हो सकती है देरी। फन सिटी के जल संकट में तेजी आई है। सोसाइटी को दो दिनों से पानी की एक बूंद नहीं मिली है। निवासियों के अनुसार स्थिति इतनी गंभीर है कि वे टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। सुखदेव विहार के निवासियों ने ओखला वेस्ट एनर्जी प्लान के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुखदेव विहार के निवासियों ने ओखला वेस्ट एनर्जी प्लान के खिलाफ हाल ही में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जो कथित तौर पर उनके कॉलोनी के आसपास गंभीर वायु प्रदूषण पैदा कर रहा था। जून से 140 शहरों की लाइबिलिटी मानकों को मापा जाएगा। सरकार एक महीने में 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले 53 शहरों सहित 140 शहरों के रहने योग्यता के मानकों को मापना शुरू करेगी और अगले महीने से सभी स्मार्ट शहर को स्वदेशी तौर पर बनाया गया लाइबिलिटी इंडेक्स पर आधारित होगा। एक अधिकार की जांच करने के लिए जीएसटी की एंटी प्रॉफियरिंग क्लॉज। सरकार जीएसटी के तहत एंटी प्रॉफियरिंग क्लॉज का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, जो बड़े पैमाने पर व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो कि सीमेंट और स्टील की कीमतों को निर्माण के लिए प्रयासरत है। कम कीमतों के घर खरीदने के लिए इच्छुक ग्राहक के लिए यह खुशखबरी है।